रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगाभ्यास का आरंभ होगा। आयुष मंत्रालय के मंत्री श्री श्रीपाद यशो नायक मंच पर मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पांचवां संस्करण रांची का प्रभात तारा मैदान। आपका आभार। साथ ही हम अन्य मंचासीन अतिथिगण का भी हृदय से स्वागत करते हैं। महामहिम राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास जी, आयुष मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री श्रीपाद यशो नायक जी और झारखंड के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी। आज प्रत्येक भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को विश्व के कोने कोने में पहुंचाकर भारत से ही उत्पन्न वसुधैव कुटुंबकम के फलसफे को एक नया जोश, नया उत्साह दिया है। और आज हम सफलतापूर्वक पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव रांची के इस खूबसूरत प्रभात तारा ग्राउंड में मना रहे हैं। हमारे समक्ष आयुष मंत्रालय के माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री श्रीपाद यशो नायक जी हैं। सर, मैं आपसे स्वागत भाषण के लिए विनम्र निवेदन करती हूं। नमस्कार, सुप्रभात। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, झारखंड के माननीय राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, केंद्रीय आयुष मंत्रालय और झारखंड सरकार के वरिष्ठ सरकारी अधिकारीगण, योग के प्रख्यात विशेषज्ञ गण यहाँ उपस्थित, मेरे सभी भाइयों और बहनों, आज मुझे प्रभात तारा मैदान रांची में पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बनते हुए अपार खुशी हो रही है। यह सर्वविदित है कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र के किए गए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री के एक प्रस्ताव से योग दिवस का आयोजन प्रारंभ हुआ था। आयुष मंत्रालय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के संयोजन का विशेष अधिकार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में पहली बार आयोजन से आकार और दायरे में लगातार विस्तृत और भव्य होता जा रहा है। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि देश के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए इस आयोजन को अपना बना लिया है। आयुष मंत्रालय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए देश के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य, केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रमुख योग संस्थानों और योग गुरुओं से पूरे दिल से सहयोग प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया है। यह सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। सरकार ने हमारे देश के लोगों के बीच योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। जानकारी और प्रेरणा के माध्यम से योग को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाना इन योजनाओं का उद्देश्य है। योग के लाभ इतने अधिक है कि लोग इसके लाभों के बारे में जानने के बाद आसानी से योग को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्कूलों में योग की शुरुआत करके स्वस्थ भारतीयों की पीढ़ियों का निर्माण किया जा सकता है और अब चिकित्सा देखभाल पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपये बचा भी जा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के तहत 1,25,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखभाल केंद्रों का बनाने की घोषणा की है। इससे योग सीखना और पूरे देश में लोगों के लिए इसका अभ्यास करना आसान हो जाएगा और पूरे देश में लोगों के लिए इसका अभ्यास निश्चित तौर से मिलेगा। योग को बड़ी संख्या में लोगों तक ले जाने के लिए हमें अब और अधिक योग प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। मंत्रालय ने इस मुद्दे को हल करने के लिए
एक योग प्रमाणन बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड व्यक्तिगत प्रशिक्षकों और योग प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता देगा। यह अधिक से अधिक योग प्रशिक्षकों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान करेगा और योग का और अधिक प्रसार करेगा। बोर्ड का कार्यक्रम अनिवार्य रूप से प्रमाणन की एक स्वैच्छिक योजना है। यह योग के गुणवत्ता और मानकों को बढ़ाएगा और योग कौशल को एक करियर कौशल के रूप में बढ़ावा देगा। मंत्रालय ने पर्यावरण के अनुकूल योग सामान जैसे योग मैट को बढ़ावा देने की पहल की है। यह हमारा उद्देश्य है कि योग की लोकप्रियता से पर्यावरण के लिए हानिकारक सामग्री, प्लास्टिक या अन्य प्रदूषणकारी पदार्थों से बने सामानों के उपयोग को बढ़ावा न मिले। जैसा कि आपने देखा होगा कि इस आयोजन में योगा मैट और परिधान कपास जैसे प्राकृतिक उत्पादनों से बनाए गए हैं। भारत योग का मूल स्थान है। हमारे देश की यह भी जिम्मेदारी है कि इसी पूरे मानवता के हित के लिए दूर दूर तक फैला जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ साथ हाथ मिलाया है ताकि विदेशी मूल के छात्रों को स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के अध्ययन के क्षेत्रों से योग को भी एक विषय के रूप में शामिल किया जा सके। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में हमारी सरकार आयुष के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने वाली इतिहास में पहली सरकार है। योग आयुष का एक महत्वपूर्ण घटक है। हम इसके प्रचार और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 2017 में योग के संवर्धन और विकास के लिए स्थापित किए गए प्रधानमंत्री पुरस्कार की घोषणा इस दिशा में एक कदम रहा है। मुझे यह बताने के लिए खुशी हो रही है कि 2019 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों की घोषणा अभी की गई है। इस साल पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय श्रेणी में व्यक्तिगत पुरस्कार गुजरात के स्वामी राजर्षि मुनि को जाता है, जिन्होंने योग में अपने काम के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को सकारात्मक तरीके से स्पर्श किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में व्यक्तिगत पुरस्कार की विजेता इटली की सुश्री एंटोनिएटा रोजी है, जो 4 दशकों से एक उत्कृष्ट योग शिक्षक और उन्होंने यूरोप के कई हिस्सों में योग के लिए ख्याति अर्जित की है। संस्थानगत राष्ट्रीय श्रेणी में यह पुरस्कार मुंगेर के बिहार स्कूल ऑफ योग को दिया जा रहा है, जो दशकों से योग की प्रामाणिकता को बनाए रखने और लोगों के बीच इसके लोगों को फैलाने के लिए एक समर्पित रूप से काम कर रहा है। चौथा और अंतिम पुरस्कार संस्थान अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में है और विजेता है जापान का जापान योग निकेतन है। यह संस्था जापान के लोगों को यह सुनिश्चित करते हुए योग सिखा रही है कि उनकी शिक्षाएं व्यावसायिक विचार से कमजोर नहीं है और सच्चे भारतीय योग परंपराओं में निहित है। प्रधानमंत्री पुरस्कार के विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और प्रत्येक 25 लाख के नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। मैं चारों विजेताओं को आप सबकी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। अंत में मैं 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं रांची और झारखंड के लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं इस आयोजन के लिए उत्कृष्ट संगठनात्मक प्रयासों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे झारखंड की प्रशासनिक मशीनरी को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि योग दिवस के इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी को इस मौके को राज्य द्वारा एक अवसर में परिवर्तित किया जाएगा और आने वाले वर्ष में अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में योग को अपनाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय आयुष मंत्री जी। अब मैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास जी से अनुरोध करती हूं कि आप कृपया हम सबको संबोधित करें। सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक मौके पर झारखंड की राजधानी रांची में उपस्थित भारतीय राजनीति के सर्वाधिक लोकप्रिय और यशस्वी
प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र वंशी जी, विधायकगण, केंद्र सरकार, आयुष मंत्रालय, झारखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारीगण और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में पहुँचे सभी योग प्रेमीगण, साथ ही साथ आज पूरे राज्य में पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर जो योग दिवस के अवसर पर योग कर रहे हैं सभी झारखंड के योग प्रेमीगण, आज पूरे झारखंड के लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के जनप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री और योग को पूरी दुनिया में पहचान देने वाले हमारे प्रधानमंत्री आज भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर स्वयं उपस्थित हैं। इस गौरवशाली आयोजन की उपस्थिति के लिए मैं झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, झारखंड की धरती में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला आगमन और ये आगमन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, इस अवसर पर झारखंड की 3.25 करोड़ जनता तहे दिल से उनका स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। झारखंड का योग से पुराना इतिहास रहा है, यह विद्या झारखंड की संस्कृति का मूल्य एवं अभिन्न अंग है। यहाँ का जनजाति समाज संथाली, मुंडा, उरांव हो, अपने दैनिक जीवन से लेकर नित्य तक योग को किसी न किसी रूप में अपनाए हुए हैं। यहाँ के पर्व त्योहारों, सरहुल, कर्मा में भी योग की झलक हमें देखने को मिलती है। झारखंड में योगदा सत्संग, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र, रामकिशन मिशन संस्थान में नियमित रूप से योग सिखाए जाते हैं। योग के क्षेत्र में देवघर की पावन धरती पर स्थापित रिखिया पीठ की ख्याति देश ही नहीं विदेशों तक फैली है। झारखंड में वर्तमान में 340 योग केंद्र चल रहे हैं, जहां नियमित रूप से लोगों को योग की शिक्षा प्रदान की जा रही है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय अभी 100 सेंटर स्थापित करने जा रही है, जहां आप लोगों का योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं फिर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के साथ साथ झारखंड भी आगे बढ़ रहा है। यहाँ जो लोग पहुँचे हैं उनका भी आभार, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर जो योग दिवस में पहुँचे हैं उनका भी आभार, और साथ ही साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इस वैश्विक युग में हमें अपनी कीमती संसाधनों की तुलना में मानव विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और इसी को ध्यान में रखकर मानव विकास के को विकसित करने के लिए योग को आज देश से बाहर दुनिया में योग को स्थापित कर, योग एक विद्या है जोड़ने की, जब योग की बात होती है तो जोड़ने की बात होती है, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत का योग, जो हमारी भारतीय संस्कृति को आज दुनिया, पूरी दुनिया ने ग्रहण करने का काम किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी योग के माध्यम से आज पूरी दुनिया को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरी झारखंड की जनता के
की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आप सभी से भी अपील कि नए भारत के निर्माण में स्वस्थ भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन, हम सिर्फ 21 जून नहीं बल्कि प्रतिदिन अपनी दिनचर्या का योग को एक साधन माने, और प्रत्येक दिन योग कर हम स्वस्थ समाज, स्वस्थ राज और स्वस्थ भारत का निर्माण कर नए भारत के निर्माण में हम सहभागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। धन्यवाद सर। अब हम बात करते हैं उनकी, जिनके प्रयासों से पूरा विश्व योगमय हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरा विश्व आपके प्रति कृतज्ञ है। आपसे नम्र निवेदन करती हूं कि आप कृपया यहां पर उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करें। मंच पर विराजमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्री, और झारखंड के मेरे प्यारे भाई और बहनों, झारखंड रांची कर माटी के सब भाई बहन मन के मोर बट बहुत बहुत जोहार। आप सभी को, पूरे देश और दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस प्रभात तारा मैदान से सभी देशवासियों को सुप्रभातम, और आज ये प्रभात तारा मैदान विश्व के नक्शे पर जरूर चमक रहा है। ये गौरव आज झारखंड को मिला है। आज देश और दुनिया के अनेक हिस्सों में लाखों लोग योग दिवस मनाने के लिए अलग अलग जगह पर जमा हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। योग के दुनिया भर में प्रसार में मीडिया के हमारे साथी, सोशल मीडिया से जुड़े लोग जिस तरह की अहम भूमिका निभा रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, झारखंड में योग दिवस के लिए आना अपने आप में बहुत सुखद अनुभव है। आप लोग बहुत सुबह ही अपने घरों से निकलकर दूर दूर से यहां आए हैं। मैं आप सभी का आभारी हूं। बहुत से लोगों के मन में आज ये सवाल है कि मैं पांचवां योग दिवस मनाने के लिए आज आपके साथ योग करने के लिए रांची ही क्यों आया। भाई और बहनों, रांची से मेरा लगाव तो है ही, लेकिन आज मेरे लिए रांची आने की तीन और बड़ी वजह है। पहला, जैसा कि झारखंड के नाम में ही ये वन प्रदेश है, प्रकृति के बहुत करीब है, और योग और प्रकृति का तालमेल इंसान को एक अलग ही एहसास कराता है। दूसरी बड़ी वजह यहां आने की ये थी कि रांची और स्वास्थ्य का रिश्ता अब इतिहास में दर्ज है। पिछले साल 23 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती निमित्त यहां रांची से ही हमने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत कम समय में गरीबों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है। भारतीयों को आयुष्मान बनाने में योग का जो महत्व है उसे भी हम भली भांति जानते हैं, समझते हैं। इसलिए भी आज रांची आना मेरे लिए विशेष है। भाई और बहनों, अब योग के अभियान को मुझे और हम सबको मिलकर के एक अलग स्तर पर ले जाना है, और यही रांची आने की मेरी तीसरी और सबसे बड़ी वजह वो भी है। साथियों, योग हमारे देश में हमेशा से रहा है, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। यहां झारखंड में भी जो छऊ नृत्य होता है उसमें आसनों और मुद्राओं को व्यक्त किया जाता है, लेकिन यह भी सच है कि आधुनिक योग की जो यात्रा है वो देश के ग्रामीण और आदिवासी अंचल में अभी उस तरह नहीं पहुंची है जैसी पहुंचनी चाहिए थी। अब मुझे और हम सबको मिलकर के आधुनिक योग की यात्रा शहरों से गांवों की तरफ, जंगलों की तरफ, दूर सुदूर आखिरी इंसान तक ले जानी है, गरीब और आदिवासी के घर तक योग को पहुंचाना है। मुझे योग को गरीब और आदिवासी के जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बनाना है, क्योंकि ये गरीब ही हैं जो बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा कष्ट पाता है। ये बीमारी है जो गरीब को और गरीब बना देती है। इसलिए ऐसे समय में जब देश में गरीबी कम होने की रफ्तार बढ़ी है, योग उन लोगों के भी एक बड़ा माध्यम है जो गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। उनके जीवन में योग की स्थापना का मतलब है उन्हें बीमारी और गरीबी के चंगुल से बचाना। साथियों, सिर्फ सुविधाओं से जीवन आसान बनाना काफी नहीं है, दवाइयां और सर्जरी का ही समाधान पर्याप्त नहीं है। आज के बदलते हुए समय में इलनेस से बचाव के साथ साथ वेलनेस पर हमारा अधिक फोकस होना जरूरी है। यही शक्ति हमें योग से मिलती है, यही भावना योग की है, पुरातन भारतीय दर्शन की भी है। योग सिर्फ तभी नहीं होता जब हम आधा घंटा जमीन या मेट पर या दरी पर होते हैं। योग अनुशासन है, समर्पण है, और इसका पालन पूरे जीवन भर करना होता है। योग आयु, रंग, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, अमीरी, गरीबी, प्रांत, सरहद के भेद, सीमा के भेद, इन सब से परे है। योग सबका है और सब योग के हैं। साथियों, बीते 5 वर्षों में योग को हेल्थ और वेलनेस के साथ जोड़कर हमारी सरकार ने इसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मजबूत स्तंभ बनाने का प्रयास किया है।
आज हम ये कह सकते हैं कि भारत में योग के प्रति जागरूकता हर कोने तक, हर वर्ग तक पहुंची है। ड्राइंग रूम से बोर्ड रूम तक, शहरों के पार्क से लेकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक, गली कुंचों से वेलनेस सेंटर तक, आज चारों तरफ योग को अनुभव किया जा सकता है। भाइयों और बहनों, तब मुझे और संतोष मिलता है जब मैं देखता हूं कि युवा पीढ़ी हमारी इस पुरातन पद्धति को आधुनिकता के साथ जोड़ रही है, प्रचारित और प्रसारित कर रही है। युवाओं के इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया से योग पहले से कहीं अधिक लोकप्रिय हो गया है, जीवंत हो गया है। साथियों, आज के इस अवसर पर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा, उसकी घोषणा की गई, हमारे मंत्री श्री ने की, एक जूरी ने इसको निर्णय किया है और पूरी दुनिया में बड़ी मशक्कत करके इन लोगों को खोजा गया है। जिन साथियों को ये पुरस्कार मिला है, मैं उनकी तपस्या और योग के प्रति उनके समर्पण की सराहना करता हूं। साथियों, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है योगा फॉर हार्ट केयर। हार्ट केयर आज पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बन चुका है। भारत में तो बीते दो ढाई दशकों में हार्ट से जुड़ी बीमारियों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। दुखद बात यह है कि बहुत ही कम उम्र के युवाओं में भी हार्ट की समस्या अब बढ़ रही है। ऐसे में हार्ट केयर अवेयरनेस के साथ साथ योग को भी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट का अहम हिस्सा बनाना जरूरी है। मैं यहां के स्थानीय योग आश्रमों से भी आग्रह करूंगा कि योग के प्रसार में और आगे बढ़ें। चाहे देवघर का रिखियापीठ योग आश्रम हो, रांची का योगदा सत्संग सखा मठ या अन्य संस्थान, वो भी इस वर्ष हार्ट केयर अवेयरनेस को थीम बनाकर आयोजन करें। और साथियों, जब उत्तम स्वास्थ्य होता है तो जीवन की नई ऊंचाइयों को पाने का एक जज्बा भी होता है। थके हुए शरीर से, टूटे हुए मन से न सपने सजाए जा सकते हैं, न अरमानों को साकार किया जा सकता है। जब हम उत्तम स्वास्थ्य की बात करते हैं, कुछ बातें हैं, पानी, पोषण, पर्यावरण, परिश्रम, ये चार चीजें, पीने का शुद्ध पानी मिले, आवश्यकता के अनुसार पोषण प्राप्त हो, पर्यावरण स्वच्छता, वायु पर्यावरण हो, कुछ भी पानी का हो, कुछ भी, और परिश्रम जीवन का हिस्सा हो, तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये पांच चार परिणाम देते हैं। फ्रेंड्स, आई थैंक पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड
for joining the Yoga Day celebrations. World over, the first rays of the sun are being welcomed by dedicated yoga practitioners is a beautiful sight. I urge you all to embrace yoga and make it an integral part of your daily routine. Yoga is ancient and modern. It is constant and evolving. For centuries, the essence of yoga has remained the same. Healthy body, stable mind, spirit of oneness. Yoga provides a perfect blend of jnan or knowledge, karma or work, and bhakti or devotion. Yoga will make every individual better in thoughts, action, and spirit. Friends, the importance of practicing yoga is greater than perhaps ever before. We live in a time when disease related to lifestyle and stress are increasing. This comes with the fast routines and pressures at the workplace. It pains me to read about bright young men and women being affected by substance abuse, alcoholism, diabetes, and such other evils. Yoga offers a solution to these problems. Yoga also furthers unity among people and in our society. This can heal several challenges that our world faces. Friends, peace, harmony have always been associated with yoga. On the occasion of the 5th International Yoga Day, let our motto be Yoga for Peace, Harmony, and Progress. Shanti, Sadbhav, aur Samriddhi ke liye Yog. Bhaiyo aur bahno, Antarrashtriya Yog Divas ki shuruaat ke baad, humne anek prabhavi kadam uthaye hain, jinka laabh bhi dekhne ko mil raha. भविष्य को देखते हुए हमें योग को हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए, स्वभाव बनाने के लिए निरंतर काम करना है. इसके लिए योग से जुड़े साधकों, शिक्षकों और संगठनों की भूमिका बढ़ने वाली है. योग के करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए मैन पावर को तैयार करना भी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है. ये तभी संभव है जब हम योग से जुड़े स्टैंडर्ड्स और इंस्टीट्यूशंस को विकसित हो, और इसलिए हमारी सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है. साथियों, आज हमारे योग को दुनिया अपना रही है, तो हमें योग से जुड़ी रिसर्च पर भी जोर देना होगा. जैसे हमारे फोन का सॉफ्टवेयर लगातार अपडेट होता रहता है, वैसे ही हमें योग के बारे में जानकारी दुनिया को देते रहना है. इसके लिए जरूरी है कि हम योग को किसी दायरे को बांधकर ना रखें. योग को मेडिकल, फिजियोथेरेपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनसे भी जोड़ना होगा.
इतना ही नहीं, हमें योग से जुड़ी प्राइवेट एंटरप्राइज स्पिरिट को भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा, तभी हम योग का विस्तार कर पाएंगे। हमारी सरकार इन आवश्यकताओं को समझते हुए अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है। मैं आपको अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करूंगा कि आप सभी यहां जितने योगा के प्रयोग हम करने वाले हैं, ज्यादा न करें इतना ही, लेकिन लगातार उसके ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं, आप देखना अद्भुत लाभ अपने जीवन में होगा। मैं फिर से एक बार आपको उत्तम स्वास्थ्य के लिए, शांति सद्भाव और समन्वय वाली जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए अब हम योगाभ्यास शुरू करते हैं। मैं झारखंड सरकार का भी बधाई देता हूं कि बहुत ही कम समय में इतना बड़ा उन्होंने आयोजन किया। पहले से उनको भी पता नहीं था, दो सप्ताह पहले ही नई सरकार बनने के बाद रांची में इतना बड़ा कार्यक्रम करने का विचार आया, लेकिन इतने कम समय में झारखंड वासियों ने जो कमाल करके दिखाई है, मैं आपको सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सबको हम बतला दें कि अब की बार पहली बार ये योग महोत्सव इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ हो रहा है। हमारे योग मैट्स खादी से बनी हैं और हमारे योगियों के जो जूते रखने का थैला है वो पूर्ण रूप से बायोडिग्रेडेबल है। और अब हम आगे की कार्रवाई के लिए डॉक्टर ईश्वर वी बासवरेड्डी जी को निमंत्रण देते हैं। आप निदेशक हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार के। आप उनके निर्देशन के अनुसार योगाभ्यास करेंगे। आपके सामने स्क्रीन लगे हैं, उनकी भी मदद आप ले सकते हैं। डॉक्टर ईश्वर वी बासवरेड्डी जी, सुप्रभात, नमस्कार। वन्य भूमि रांची के प्रभात तारा मैदान में भगवान जगन्नाथ के सम्मुख आप सबका हार्दिक स्वागत है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं निवेदन करता हूँ, बारिश में भी हम योग करेंगे, बारिश में भी सब लोग बैठकर योग करेंगे। बैठ जाइए प्लीज। सभी बैठ जाइए, आंखों को बंद कीजिए, हाथों को जोड़ दीजिए। आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास आरंभ करेंगे। सभी एक स्वर में 3 बार ओंकार उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात प्रार्थना आरंभ करेंगे। संगच्छत्वं संवदत्वं संगच्छत्वं संवदत्वं
धर्म सम्भो मनांसि जानताम् सम्भो मनांसि जानताम् देवा भागम् यथा पूर्वे देवा भागम् यथा पूर्वे संन्याना उपासते संन्याजनाना उपासते संन्याना उपासते संन्याजनाना उपासते धीरे से आंखें खोलें और हाथों को वापस अपनी जगह ले आए। अब चालन क्रियाओं को अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है। सभी लोग खड़े हो जाएं। गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से शुरू करेंगे। आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास, पैरों में 2 इंच का अंतर रखिए और हाथों को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाएं, श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाएं, श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। दाई और बाई ओर झुकाने का अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाइए, श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए, श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाइए, श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाए, श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए, श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाए, श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। दाई और बाई ओर मोड़ने का अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ ले जाइए, श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ ले जाए, श्वास भरते हुए वापस आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ ले जाइए, श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ ले जाए, श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। गर्दन गोलाकार घुमाने का अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को आगे की ओर झुकाएं और कंठकूप से लगाएं। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। अब श्वास भरते हुए सिर को विपरीत दिशा में पीछे ले जाए, श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आए। एक बार पुनः अभ्यास को दोहराइए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए, हाथों को पुनः अपनी जगह ले आइए विश्राम की जगह। अब हम अभ्यास करेंगे स्कंद चालन संचालन। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाए, हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हो, पूरा खींचना है ऊपर। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाए और एक बार पुनः श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाए। उन ढंग से बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आए। अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे।
श्वास लेते हुए अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई तक ले आए। अपनी उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए। अब दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर घुमाएं। यह अभ्यास एक और बार करेंगे। अब विपरीत दिशा में भी यह अभ्यास को दो बार कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आए। आराम से खड़े हो जाए। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। जिन्हें गंभीर कमर दर्द हो वो सावधानी से ये अभ्यास करें। अपने पैरों को कंधों के बराबर की दूरी पर रखिए। हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाई तरफ घुमाएं, पीस कीजिए दाई तरफ। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाई तरफ घुमाएं, पूर्ण ढंग से पीस करना है कमर को। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाई तरफ घुमाएं, श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाई तरफ घुमाएं, श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। हाथों को वापस ले आइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। जिनको घुटने में दर्द हो इस अभ्यास को सावधानी के साथ करें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे के स्तर तक सामने लाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़े और बैठने की स्थिति में आए। बैठ जाए। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए वापस आइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आइए। श्वास भरते हुए पहले जैसी स्थिति में आइए। हाथों को नीचे ले आइए और विश्राम कीजिए। एक क्षण आंखें बंद कीजिए। चालन क्रियाओं का परिणाम शरीर, मन और श्वास पर। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास ताड़ासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को कंधों के स्तर तक ले आइए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को बाहर की ओर पलटिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाए, पूरा खींचे ऊपर। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाए रखने का प्रयास कीजिए। थोड़ी सी बैलेंस कीजिए। एड़ियों को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आए और विश्राम कीजिए। ये आसन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। अब हम अभ्यास करेंगे वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए। दाहिने तलवे को बाएं पैर के जंघा पर रखने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और हथेलियों को जोड़िए नमस्कार मुद्रा में पूर्ण ढंग से। शरीर को थोड़ा ऊपर खींचिए। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। श्वास छोड़ते हुए हाथों और दाहिने पैर को नीचे ले आइए। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर के जंघा पर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और हथेलियों को जोड़िए नमस्कार मुद्रा में। समतोलन जारी रखें। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और बाएं पैर को नीचे ले आइए।
थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पाद हस्तासन, जिनको कमर दर्द की परेशानी है वो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले आए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। कमर को खींचने का प्रयास कीजिए थोड़ी सी। बहुत बढ़िया। अपनी हथेलियों को पंजे के पास रखिए। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। बहुत सुकून मिलता है आसन के अंतिम स्थिति में। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए। हाथों को ऊपर कीजिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए और थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। ये आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। अब हम अर्धचक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए। श्वास छोड़े और सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसी स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। यह आसन फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अब हम अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 3 फीट की दूरी बनाए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले जाए। दाएं पैर के पंजे को दाई तरफ घुमाए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाई तरफ झुकते जाए। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाइए और मध्यमा उंगली को देखिए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। 30,000 लोग एक तरह से अभ्यास करेंगे, उसका अनुभव बहुत असामान्य होता है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब बाएं पैर के पंजे को बाई तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाई तरफ झुकते जाए। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखिए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। त्रिकोणासन कमर जंघाओं तथा कंधे की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब हाथों को भी वापस ले आइए और दोनों पैरों को मिलाइए, विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाए। और पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। हाथों को नितंब के पास रखें और कमर सीधा कर लीजिए। इस आसन को हम दंडासन कहते हैं। ये बैठने वाले आसनों के लिए स्थिति है। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। अपनी एड़ियों को जितना संभव हो उतना शरीर की तरफ ले जाए। सीधा बैठ जाए। आंखें बंद करके ध्यान। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास करेंगे। धीरे से दंडासन में वापस आइए। भद्रासन
शरीर और मन को दृढ़ता प्रदान करता है। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन, अर्धउष्ट्रासन, उष्ट्रासन, शशक आसन, उत्थान मंडुकासन, एक कैप्सूल है उसको मिलकर करेंगे। पहला अभ्यास वज्रासन, पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों को एड़ियों के बीच बैठ जाए, दोनों पैरों को अंगूठे परस्पर मिले हो, हाथों को घुटनों पर रखिए, कमर और गर्दन को सीधा रखिए। इस स्थिति को हम वज्रासन कहते हैं। आंखें बंद करें। वज्रासन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक है। इसी स्थिति से हम अर्धउष्ट्रासन करेंगे। घुटनों पर खड़े हो जाए, हाथों को नितंब पर रखिए, श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहे। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाए। वज्रासन में बैठ जाए, थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। अर्धउष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में मदद करता है। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। जिन्हें उष्ट्रासन करने में परेशानी हो वो अर्धउष्ट्रासन का ही अभ्यास करें। घुटनों पर खड़े हो जाए, घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाए, श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुक जाए, श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ से दाई एड़ी और बाएं हाथ से बाई एड़ी को पकड़िए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। उष्ट्रासन, श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आइए। वज्रासन की स्थिति में वापस आई, थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। उष्ट्रासन पीठ और गले की दर्द से आराम दिलाता है और दृष्टि में सुधार लाता है। अब हम शशकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं, हथेलियों को घुटनों के बीच रखिए, श्वास छोड़ते हुए बिना नितंब को उठाए शरीर को आगे ले जाए, छाती और ठुड्डी जमीन से लगाए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। श्वास भरते हुए वापस आए और वज्रासन में विश्राम कीजिए। तनाव और चिंता को कम करने में शशकासन सहायक है। अब हम उत्थान मंडुकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को फैला लीजिए, श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए, सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़िए, हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखिए, पीठ एवं गर्दन को सीधा रखिए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। बहुत बड़ी श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटने पर ले आए। अब घुटनों को भी मिलाते हुए वज्रासन की स्थिति में आए। अब दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन में बैठ जाइए। उत्थान मंडुकासन पीठ एवं गर्दन की तकलीफ के छुटकारा मिल जाता है। अब हम वक्रासन अभ्यास करेंगे। धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाएं घुटने के पास रखिए। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाई तरफ मोड़िए, पिस्ट कीजिए और थोड़ा। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहें।
श्वास भरते हुए वापस आइए और दाएं पैर को सीधा कीजिए। यह आसन को बाईं तरफ से भी दोहराएंगे। बाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़िए, पूरा ट्विस्ट कीजिए। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए वापस आइए। बाएं पैर को सामने की ओर सीधा करते हुए दंडासन के स्थिति में विश्राम कीजिए। वक्रासन मधुमेह के प्रबंध में सहायता प्रदान करता है, तनाव से मुक्ति दिलाता है। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से पेट के बल लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए। आराम से अपने दोनों पैरों के बीच दूरी बनाएं, उचित दूरी बनाएं। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए हथेली पर हथेली रखिए। अपने सिर को दाई तरफ मोड़ते हुए हथेलियों पर रखें और विश्राम कीजिए। इस आसन को हम मकरासन कहते हैं, सभी लोगों को करना है। लेट जाइए, तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाने में मकरासन सहायक है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। शरीर को पूरा स्ट्रेच करना, आगे के ऊपर स्ट्रेच करना, पूरा शरीर को स्थिति है। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपने हाथों को सीने के पास रखिए। श्वास भरते हुए नाभि वाले भाग तक अपनी ठुड्डी और छाती को उठाएं। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। बहुत बढ़िया। हाथों के ऊपर खड़े नहीं होना, कमर के बल से खड़े होना है भुजंगासन। कुछ देर इस आसन में बने रहे। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए और मकरासन में विश्राम कीजिए। मकरासन पीठ दर्द के निवारण में सहायक है और तनाव कम करता है। अब शलभासन का अभ्यास करेंगे। पुनः अपने पैरों को मिलाइए, अपने हाथों को जंघाओं के पास लाइए। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखिए, ठुड्डी को जमीन से लगाइए। श्वास भरते हुए बिना घुटने मोड़े दोनों पैरों को उठाए, जितने क्षमता है उतना ऊपर उठाए, पैरों को मोड़ना नहीं है। कुछ देर आसन में बने रहे। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाइए, नीचे लाइए, मकरासन में विश्राम कीजिए। इस आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में बहुत सहायक करता है। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अब बाई करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए, आराम से लेट जाइए। पहला अभ्यास सेतु बंधासन। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक ले आई, एड़ियों को पकड़ लीजिए। अब श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाए और फूल जैसी आकृति बनाए, ऊपर उठाए, थोड़ी सी और अब। बहुत बढ़िया। कुछ देर इस आसन में बने रही। ये आसन अवसाद की रोकथाम में मदद करता है, थायराइड ग्रंथि के स्वास्थ्य में ही बहुत उपयोगी आसन है। श्वास छोड़ते हुए वापस आई, पीठ के बल थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। शवासन, विश्राम, विश्राम। अगला आसन उत्थान पादासन। पैरों को मिलाई, हाथों को शरीर के बगल में
सीधा रखिए, हथेलियां जमीन की तरफ रखिए, श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए और 30 डिग्री का कोण बनाए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाइए और थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए। यह आसन पेट की चर्बी को घटाता है और श्वसन क्षमता को सुधारता है। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए। श्वास भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े धीरे से पैरों को ऊपर उठाए और 90 डिग्री का कोण बनाए। 90 डिग्री नितंब से कंधे तक का शरीर बिल्कुल सीधा रहे। बहुत अच्छा, एक्सलेंट। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रही। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को नीचे ले आइए, वापस आइए। विश्राम कीजिए। ये आसन उक्त रक्तचाप को दूर करने में मदद करता है। इस साल का हमारा थीम है हृदय स्वास्थ्य के लिए योग। पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों को मिलाइए और घुटनों को मोड़ते हुए सीने के पास ले आइए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाए और अपने ठुड्डी या नासिका को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत बड़ी। कुछ देर इस आसन में बने रहें। बहुत सुंदर आसन है ये। आसन पाचन क्रिया को सुधारता है। श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस लाइए। विश्राम कीजिए। अब हम थोड़ी देर के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाए। हथेलियां आसमान की ओर खुली हो। आंखों को बंद कीजिए। गहरा लंबा सांस लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास क्रिया पर ध्यान दीजिए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए। शीतल हो जाए, शीतल हो जाए, शीतल हो जाए। शवासन चिंता और तनाव के प्रबंधन में मदद करता है। शरीर और मन को संपूर्ण विश्रांति प्रदान करता है। धीरे से बाएं ओर करवट लीजिए और आराम से उठकर बैठ जाइए। सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। उठने का तो मन नहीं कर रहा है, फिर भी हम आगे बढ़ना। अब हम कपाल भाति के लिए तैयार हो जाए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, कोई भी हो। आंखों को बंद कीजिए, कमर और गर्दन सीधा रखिए, हाथों की ध्यान मुद्रा बनाए घुटनों पर रखे। गहरी लंबी श्वास लीजिए और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़ना है। कपाल भाति का पहला चक्र 20 आवृत्तियां प्रारंभ करेंगे। श्वास छोड़िए,
विश्राम कीजिए। कपालभाति का दूसरा चक्र 20 आवृत्तियां शुरू कीजिए। सांस लीजिए। श्वास छोड़िए। विश्राम कीजिए। अब तीसरा और अंतिम चक्र शुरू करना है। लंबा सांस लीजिए, छाती ऊपर कीजिए। श्वास छोड़ी। आराम से कपालभाति का अभ्यास से जो परिणाम हुआ है उसको अनुभव करिए। कपालभाति कफ विकारों का कफ विकारों को दूर करता है। अब हम प्राणायाम की ओर जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बनाए रखिए। दाहिने हाथ की नासिकाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाए। दाहिनी नासिका रंध्र के बंद करते हुए बाह्य से श्वास लीजिए। धीरे से बाई नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाहिने से श्वास छोड़िए। अब दाहिने से श्वास लीजिए और बाई नासिका रंध्र से श्वास छोड़िए। ऐसे चार चक्रों का और अभ्यास करेंगे। इनहेल थ्रू द लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू द राइट, अगेन इनहेल थ्रू द राइट, एक्सहेल थ्रू द लेफ्ट। बाहे से श्वास लेना है। धीरे से दाहिने नाक से श्वास छोड़ना है। दाहिने से ही नाक सांस लेना है। बाएं नाक से श्वास छोड़ना है। और एक बार अनुलोम विलोम प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए यह अभ्यास बहुत जरूरी है। अब बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रखिए। जीभ को किनारे से मोड़ते हुए ट्यूब नामा आकार बनाएं। गहरी श्वास लीजिए। श्वास छोड़िए आराम से नासिका से। धीरे धीरे श्वास और एक बार नासिका से श्वास लीजिए। धीरे से श्वास छोड़िए। दो बार और दोहराएं। शीतली प्राणायाम उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायक है। नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले सामान्य ढंग से भ्रामरी प्राणायाम। दो बार के बाद षण्मुखी मुद्रा के साथ भ्रामरी प्राणायाम अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखते हुए हाथों को ध्यान मुद्रा में रखिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का गुंजन कीजिए। श्वास लीजिए। और एक बार श्वास लीजिए।
यही अभ्यास षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए, सांस लीजिए धीरे से, और एक बार श्वास लीजिए। अब हाथों को वापस ले आइए। भ्रामरी प्राणायाम तनाव को दूर करने में मदद करता है। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखिए, मेरुदंड को सीधा रखिए, हाथों की ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा धारण कीजिए। हाथों और कंधों को शिथिल कीजिए, मुख को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाते हुए एकाग्रचित्त होकर बैठ जाए। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीमी और गहरी श्वास और प्रश्वास। सिर्फ सजगता शरीर के प्रति, श्वास के प्रति, अपने भावनाओं के प्रति, विचारों के प्रति। जैसे जैसे भावनाएं विचार कम होते जाएंगे, मन प्रसन्न और शांत, शांत और प्रसन्न मन में ही ईश्वर स्वयं स्थापित। निर्विचार होने का प्रयास। जगन्नाथ के सानिध्य में ध्यान का अभ्यास। ध्यान योग अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हर रोज ध्यान अभ्यास करने से मन शांत रहता है। ध्यान आत्म अनुभूति के ओर हमें ले जाता है, आत्म साक्षात्कार की ओर। अब सामान्य श्वास और प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हम सब मिलकर एक होकर मन ही मन संकल्प धारण करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूं। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
हम योग अपनाएंगे, योगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे और इस देश के विकास के लिए हम सब समर्पित हैं, समर्पित हैं, समर्पित हैं। इन्हीं संकल्प के साथ शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः। अब हथेलियों को आंखों पर रखिए और अपनी आंखें खोलिए, हाथों को वापस लाइए, योग अपनाए, स्वस्थ जीवन पाए। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को मेरा धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। The Prime Minister Shri Narendra Modi, practicing yoga with nearly 25,000 yoga enthusiasts here at the Prabhat Tara Maidan in Ranchi. Panchwa Antarashtriya Yoga Divas, Mukhya Ayojan Sthal Ranchi ka Prabhat Tara Maidan, Mananiya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi, ek anukaraniya netritva ki misal, अगर आज के आयोजन को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। Absolutely, and the intermittent rain during the yoga practice didn't dampen the spirits at all. In fact, it reminded us of the words of VKS Iyengar: "Yoga teaches us to cure what need not be endured, and endure what cannot be cured." अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्साह, उल्लास और इस महाआयोजन से स्वयं को जोड़ने का सिलसिला न केवल भारत में बल्कि आज सारे विश्व में, सारी दुनिया में देखा जा रहा है। हजारों योग साधकों के साथ योगाभ्यास के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रांची स्थित प्रभात तारा मैदान से प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत ही दर्शनीय अंदाज में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने योगाभ्यास को आगे बढ़ाया और लोकप्रियता चरमोत्कर्ष पर है। इसकी मिसाल, इसकी झलक हम यहां देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से स्वयं को नजदीक लाने की, पाने की कोशिश जो योग साधक हैं वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं इससे। इट इज सेड इट only takes a cry in the wilderness to start an avalanche, and it was one man who decided to bring yoga on the world stage, and this has been an exponential growth of what started in 2014, the fifth International Day of Yoga, where thousands of people from all walks of life and all ages practice yoga for a better life, for better health and for spiritual growth. And the inspiration has been this gentleman on the screen, the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. The crowd's ecstatic to shake hands with him, to come up close to him. These are going to be memories of a lifetime for these youngsters.
यकीनन उन सभी युवाओं के लिए, उन सभी रांची के निवासियों के लिए, झारखंड के निवासियों के लिए, देशवासियों के लिए एक अविस्मरणीय, कभी न भुलाने वाला ये अवसर है जब देश के सर्वोच्च नेतृत्व को इतना करीब पा रहे हैं और वो भी पूरे दिल से, पूरे समर्पण से। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जिस अंदाज में बच्चों का, युवाओं का, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों के चेहरों पर जो उत्साह है, जो उमंग है, उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर स्पष्ट पढ़ा जा सकता है। एंड इन द एरा ऑफ मोबाइल टेलीफोन्स, सेल्फीज आर अ मस्ट। वेरी सून देयर विल बी सेल्फी आसन्स एज वेल। Bright smiles after a very good session of yoga with the Honorable Prime Minister for all these people. So it's been a double joy for them, a good session of yoga, and then to be so close to the Honorable Prime Minister. Who could have thought this could happen? Har koi chahta hai yog sadhakon mein se कि वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करीब पहुँचे, उनके साथ उनकी एक फोटोग्राफ हो, सेल्फी का मौका मिले और शायद जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षण है उसे जी रहे हैं ये सभी योग साधक। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने करीब पा करके, हालांकि जो व्यवस्था से जुड़े लोग हैं उनके लिए थोड़ा ये चुनौतीपूर्ण अवसर है। Yes, but for the people who are shaking hands with the Prime Minister, these are memories that they will tell their children and grandchildren, that there was a day when they shook hands with the Prime Minister of India. Prime Minister obliging all the people who are present here. BKS has said for me, yoga is not just a workout, it's about working on yourself. And the Prime Minister inspiring millions of people across the world to work on themselves. Yog se swasthya, yog se lambi ayu, yog se bal, yog se sukh aur yog se prasannata. जो योग साधक हैं, युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, समाज के हर वर्ग से पहुंचे हुए लोग रांची के भारत तारा मैदान पर, निश्चित तौर पर प्रभात तारा मैदान आज जीवंत हो उठा है इन दृश्यों से जो हम आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं। हर व्यक्ति की इच्छा है, तमन्ना है, अभिलाषा है कि वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के समीप पहुँचें और पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को पूर्णता प्रदान करें। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय पूरे धैर्य के साथ, प्रसन्नता के साथ इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि किसी को निराशा न हो, जितने लोगों से वो हाथ मिला सके, जिनका अभिवादन कर सके, जिनका सही अर्थों में वो शुक्रिया अदा कर सकें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को रांची में आज कामयाब बनाया है, सफल बनाया है, परिणति तक पहुंचाया है। निश्चित तौर पर इस आयोजन से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े सभी लोग बधाई के पात्र हैं। That's absolutely right. And in his address to United Nations in 2014, Modi ji had said, "Yoga is an invaluable gift of India's ancient tradition. It embodies the unity of mind and body, thought in action, restraint and fulfillment, harmony between man and nature, a holistic approach to health and well-being. It is not about exercise, but to discover the sense of oneness within you." He had called out to the world to follow the path of yoga, and the world responded. रांची के प्रभात तारा मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह अब संपन्न हो रहा है। इसके साथ ही हम आपको दूरदर्शन के स्टूडियो वापस लिए चलते हैं।